हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो आपको डेमो देने जा रहे हैं वो है वैक्सिंग का। हम आपको बताएंगे कि वैक्स को कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग की क्लास। वैक्स का वर्क होता है अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना। जैसे हमारे क्लाइंट के हैंड्स पे जो हेयर्स हैं, हम उनको वैक्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो वैक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड के ऊपर हम लोग पाउडर लगाएंगे ताकि इनकी ये जो स्पेस है जितने पे हमको वैक्स करना है वो ड्राई हो जाए वो एरिया। स्पैचुला की हेल्प से हम लोग वैक्स को लेंगे। वैक्स के लिए हम लोग वुडन स्पैचुला यूज़ करते हैं। आपको जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। वैक्स का टेम्परेचर देख लेंगे। वैक्स बहुत ज़्यादा पतली ना हो क्योंकि गर्म लगने से दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको चेक कर लें। इस तरह उठा के इसको ब्लो करेंगे और हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे इस तरह से। अब स्ट्रिप को इसके ऊपर लगाएंगे, पट्टी पे थोड़ा इस तरीके से प्रेशर करेंगे और उसके बाद इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेच कर देंगे इस तरह से। नीचे से स्किन को ऐसे स्ट्रेच कर देंगे ताकि लूज ना रहे स्किन। इस तरह हेयर्स आपके वैक्स के थ्रू स्ट्रिप पर आ जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे ताकि आपको पता लगे कि आपने वैक्स किस एरिया में कर दी हुई है। अगर हम बीच में से कहीं भी कर देंगे वैक्स तो क्या होता है, हमें पता नहीं लगता कि हमने वैक्स कहाँ से कर दी कहाँ से नहीं की हुई। तो इसलिए पहले हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। अब सेंटर पार्ट को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब पहले इतने एरिया का करके बता देना ना। इस तरह हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करेंगे तो हर जगह से हेयर्स अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। हैंड्स के आगे की साइड हेयर्स तो ज़्यादा नहीं होते, बट जो वैक्स का वर्क होता है वो टैनिंग रिमूव करने का भी होता है, इसलिए हम लोग इस एरिया पे भी वैक्स को करेंगे। वैक्स के कंप्लीट हो जाने के बाद हाथ को गीले टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम 2 मिनट के लिए हाथों पे जेल से मसाज करेंगे। इस तरह हमारा वैक्स का प्रोसीजर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।